विराट के बघेली समाचार में हम स्वाति अपना पंचन के स्वागत करी थे। शुरुआत करी थे रीवा जिला से, जहां पनवार थाना क्षेत्र के पटियारी में संचालित स्कूल के लड़कन का लय के जात रही लोडर वाहन के टक्कर बस से हो गई रही। बताई दे कि मैं एक छात्र के जहां मौत हो गई ही, वहीं एक दर्जन लड़का घायल भी है। घटना के पता चलते ही घटनास्थल के निरीक्षण करे एडीजी केपी वेंकटेश्वर राव और कलेक्टर मनोज पुष्प, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन पहुंचे। तीनों अधिकारी स्कूल के स्टाफ के साथ चर्चा की ही नहीं, बताए दे कि सुरक्षा व्यवस्था लड़कन का ले जाए वाले वाहनन के संबंध में जानकारी के साथ साथ लड़कन से चर्चा की ही नहीं। इस दौरान कलेक्टर एडीजी पत्रकारन से चर्चा की ही न, दोषी के खिलाफ कार्यवाही के बाद कही नहीं। आई सुनाई था न अधिकारी का कही नहीं। कैसे क्या हुआ था ड्राइवर? खुद ही नहीं पता। हम लोग बातें कर रहे थे, हम और रामबाग की लड़की एक थी, और अंकल जी पता नहीं कैसे लड़ा दी उसने, और गेट भी नहीं खुला था आगे वाला। आर्या लोग को उतार के हम लोग, फिर आगे क्या हुआ? ड्राइवर कहाँ गया? हाँ ड्राइवर हम लोग नहीं देखे, वहाँ भी पता नहीं कहाँ चले गए वो। और वो लोग हम लोग को पनौती बोल रहे थे। कौन ड्राइवर? हाँ, क्या नाम था आपका ड्राइवर? दादी बोलते थे। आपको क्या नाम है? भूमि सिंह। और तुमको क्या बोलते थे, पनौती हो? नहीं, हम सब लोग को आगे बैठे थे उसमें, जो चलाते हैं गाड़ी से खींचते हैं उसमें लाने थे, तो बोलते पनौती हो तुम लोग। कितने बच्चे थे बेटा गाड़ी? 40-50 बच्चे। 40-50 बच्चे थे। पूरे फेंका गए गाड़ी से बाहर। भाई कहाँ गया? तुम्हारा भाई कहाँ गया? पता नहीं, नहीं निकाले उसको लक्ष्य को। हाँ, वो लोग निकल के फेंका गए थे। जो बच्ची थी उसमें गाड़ी में बैठी थी वो बता रही थी, चार पांच दस लोग आगे बैठे थे, 40-30 कम से कम पीछे बैठे थे। स्कूल की जितनी भी गाड़ियां ना भूसे की भात भरते, एकदम भूसे जैसे। उसी के अंदर अभी ना हम लोगों ने 2 महीने पहले सारे ड्राइवर का आई चेकअप कराया है, स्कूल के ड्राइवर का, सारे ड्राइवर का पुलिस वेरिफिकेशन कराया और उनके संग में 1 घंटा बिता के उनको बच्चे से स्कूल बस वालों का। अब ये आ गई आपकी क्या मैजिक, वो भी मॉडिफाइड मैजिक, क्या नाम है इसका, वो भी मतलब क्या बोलेंगे तो मॉडिफाइड करके अपने हिसाब से बनाना सीट अकॉर्डिंग, जो भी मोटर के संग हुए हैं हमारे सारा है वो भी सब उसमें बढ़ाएंगे, ठीक है ना। हमने इस पर काम किया जो वो है, और नई मतलब की बसें बने हैं क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हैं, जैसे 5-7 बसें हैं जो अनपढ़ चल रही है, मतलब हर स्कूल में सिर्फ ऑटो चला रहे हैं, जो वैसे कंडक्टर हो जाते हैं वो स्कूलों में लग जाते हैं। कुछ आपके पास ऐसी सूचनाएं तो पॉइंटेड हो, अनऑफिशियली भी आप टीआई साहब को आप दे दीजिए। उसमें जो है अभी 5 तो रेफर हो चुके हैं, और एक तो उसका मृत्यु हुआ क्या, और बाकी जो बच्चे हैं 5 बच्चे नॉर्मल नहीं। सर प्रथम दृष्टया पुलिस प्रशासन किनको दोष, किनके ऊपर दोष? उस केस दर्ज करेंगे स्कूल मैनेजमेंट पे, और सबसे बड़ी कराया जाएगी विद्यालय है वो सिर्फ पिकअप और ऑटो चला रहे हैं बस के लिए, माल वाहक सबको माल वाहक पर बच्चों के लिए, बाकी जो घायल बच्चे हैं उनको जब अस्पताल में इलाज किया जा रहा है, 5 बच्चों को रेफर किया गया है, तो संजय गांधी अस्पताल पहुँच रहे हैं, वहाँ भी पूरी व्यवस्था बना दी गई है ताकि पहुँचते ही उनका बेहतर से बेहतर इलाज किया। सर इसमें एक लापरवाही की थी निश्चित रूप से, एक तो एक्सीडेंट का इशू है, तो हम लोग जो बस का और जो ये वाहन जिसमें बच्चे आ रहे थे उनके इशूज को भी हमें इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसमें किसकी गलती है। और स्कूल के संचालक की जो जानकारी मिली है कि परिवहन की व्यवस्था भी वही देख रहे थे, तो उसमें जो गलतियां हैं तो स्कूल के ऊपर भी और उसमें जो भी इन्वॉल्व होगा उन सभी के ऊपर कार्रवाई की। सर जैसे तराई क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्राइवेट विद्यालय खुली हुई है और उनकी मान्यता भी नहीं है, फिर भी संचालित है, और सबसे प्रॉब्लम ये है कि जो बसें चल रही हैं वो सब अनफिनिश है,
ज़्यादा से ज़्यादा पिकअप में ही और ऑटो में ढोते हैं, इनमें क्या कार्रवाई होगी सर? इन सभी को हम लोग विस्तार से इसकी जांच कराएंगे और जहाँ भी अनियमितता पाई जाएगी उन पर कार्रवाई की जाएगी। अभी जितने भी स्कूल बसें संचालित हो रहे थे उन सभी की हम लोगों ने फिटनेस और उनकी जांच कराई थी पिछले दिनों, और जो ये अनऑथराइज्ड गाड़ियों से कर रहे हैं उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे थाना वाइज और उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। सर एक और प्रकरण, RTO महोदय इस समय लगातार एक महीने से आ रहे हैं और यहीं पर रहते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है इनके द्वारा। जो स्कूल के बसेज हैं उनके फिटनेस और उन पर कार्रवाइयाँ की गई है। खबर रीवा जिला से ही, जहां एक बेर फेर अपराधीन के गुंडई सोहे आई ही। यह बेर बदमाश कोनो आम आदमी का नहीं बल्कि पुलिस का निशाना बनाई है और चौकी के अंदर घुस के गाली गलौज मारपीट और जान से मारे के धमकी दी ही। बताए दें कि यह मामला सिमरिया थाना क्षेत्र के जुड़वानी चौकी के आए, जहां चौकी के अंदर बैठे चौकी प्रभारी राम सिरोमर सिंह बघेल के साथ मारपीट की घटना भई ही। बतावा जात है कि आरोपी चौकी के अंदर पहुंचे और गाली गलौज कई के जान से मारे के धमकी दी ही। ये घटना के पता चलते चौकी में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में आसपास के लोग पहुंचे, तब तक आरोपी चौकी प्रभारी के साथ गाली गलौज कई के मौका से फरार हो गया रहा। यह घटना की सूचना चौकी प्रभारी के द्वारा सिमरिया थाना प्रभारी का दिन गए, लेकिन जब तक पुलिस बल पहुंचा तब तक आरोपी भाग निकले रहे। अपना पंचन का बताई दी कि बदमाशन के हौसला इतना बुलंद है कि चौकी के अंदर घुसे पुलिसकर्मी के साथ मारपीट करी नहीं। यह घटना का देख के अपना पंचे समझ सकित है कि जब पुलिस सुरक्षित नहीं आए तो आम जनता कैसे सुरक्षित रहा है। खबर रीवा जिला से ही, जहां ओवरब्रिज के नीचे एक थे औरत विक्षिप्त हालत में मिली रही, जेका NGO संचालिका के द्वारा प्रशासन के मदद से इलाज के खातिर मानसिक वार्ड संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करावा गया रहा, जहां प्राथमिक उपचार करे के बाद डॉक्टर औरत का अच्छे इलाज के खातिर ग्वालियर भेजे के फैसला लिही। जेके खातिर महिला बाल विकास रेड क्रॉस के द्वारा कानूनी प्रक्रिया पूर कीन गए और रेड क्रॉस के द्वारा एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई और अज्ञात औरत का ग्वालियर रेफर कीन गया। आई अपना पंचन का सुनाई थैन औरत के उपचार की व्यवस्था करावे वाले अधिकारी और डॉक्टर के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष का कही नहीं। क्या नाम है आपका? मोहन। हाँ। चमौती। कहाँ से आई है? चमौती। आई कहाँ से है? घर कहाँ है? घर दवाई करवा रहे हैं। यहाँ दवाई कराने आई है? हाँ। कोई है घर पे आपके? हाँ। कौन कौन है? बेटा बेटिया दोनों हुआ। अच्छा, घर कहाँ पे है आपका? नहीं घर रखा हुआ कांतो। गांव का नाम क्या है आपके? गांव का दुर्गेशिला। गांव का नाम क्या है, पता क्या है आपका? गांव का नाम दुबौली। दुबौली से आई है? घर जाना चाहती है? हाँ, दुबौली घर है। आप भटक गई हैं क्या? मैं डॉक्टर विनोद श्रीवास्तव, सेक्रेटरी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। एक महिला जो फ्लाईओवर के नीचे प्राप्त हुई थी, जिसे सुदिशा फाउंडेशन और ADM साहब ने मिल करके यहाँ पर उसको भेजा था। उसका कई दिनों से इलाज चल रहा था, अब उसको मानसिक रोग चिकित्सालय ग्वालियर भेजा जा रहा है और हम लोगों ने एम्बुलेंस की व्यवस्था कर दी है ताकि वो पहुँच सके और वन स्टॉप सेंटर ने उसमें बहुत हमारी मदद की है, धन्यवाद। हाँ, ये अज्ञात महिला NGOs के द्वारा और महिला बाल विकास के द्वारा यहाँ पे उपचार हेतु लाई गई थी और ये मानसिक रूप से बीमार थी, जिनको हमारे चिकित्सालय में उपचार दिया गया। इनको आगे के उपचार के लिए ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला भेजा जा रहा है और हमारी यही आमजनों से अपील है कि कोई भी अगर आपको लावारिस व्यक्ति दिखता है और वो अगर वो मानसिक रोगी है तो निश्चित रूप से आप संजय गांधी स्मारक चिकित्सालय में उसको ला के उपचार हेतु मिल सकते हैं, धन्यवाद। डॉक्टर धीरेन्द्र मिश्रा, सहायक प्राध्यापक मानसिक रोग विभाग। मैं डॉक्टर निमिषा मिश्रा, प्राध्यापक एवं विभाग अध्यक्ष मानसिक रोग विभाग। ये अज्ञात महिला को महिला एवं बाल विकास द्वारा मानसिक रोग विभाग लाया गया, जहां पर इसका उपचार किया गया है और उपचार के बाद में इसको मानसिक आरोग्यशाला ग्वालियर रेफर किया जा रहा है। आप सभी का एक तो धन्यवाद और आप सभी से अपील है कि अगर इस प्रकार की कोई भी अज्ञात महिलाएं अगर मिलती हैं या पुरुष मिलते हैं तो उसको इस प्रकार से हम आरोग्यशाला रेफर कर सकते हैं और इसमें आप सभी हमारा सहयोग दीजिए, धन्यवाद। ये एक महिला हम लोगों को मिली थी सिरमौर ब्रिज के नीचे, जिसे सुदिशा फाउंडेशन की निशा जायसवाल यहाँ तक लेके आई थी और फिर यहाँ पे डॉक्टर साहब और डॉक्टर मैडम का काफ़ी इसमें सहयोग रहा। उनको तुरंत हमारी वन स्टॉप की टीम ने इस चीज़ को कवर किया और वन स्टॉप की टीम ने ADG सर के यहाँ से एक आदेश करवाया, जिसके बाद से जो प्रक्रिया है उसको पूरा करते हुए हमारी टीम यहाँ से आज उस महिला को उसके स्वास्थ्य लाभ के लिए ग्वालियर के बड़े हॉस्पिटल में, बड़े मानसिक चिकित्सालय में भेज रही है, जिसके लिए रेड क्रॉस ने काफ़ी सहयोग किया है, वन स्टॉप सेंटर ने काफ़ी सहयोग किया है
प्रेस और मीडिया के लोगों ने, आप सभी लोगों ने इस काम को बहुत अच्छे से लिया है और आदरणीय जिला पंचायत अध्यक्ष मैडम ने भी इसमें सहयोग देते हुए उपस्थित हुई हैं। मैं पूरी टीम को इस अच्छे काम के लिए बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। केवल एक विकल्प है, केवल एक विकल्प है। खबर रीवा जिला से ही, जहां सिरमौर तहसील के मदरी गांव में के अधिवक्ता पर अतिक्रमण करे के आरोप गांव वाले लगाई ही और एक हर शिकायत कलेक्ट्रेट पहुंच के कलेक्टर के लगे की ही और बताई कि जमीन मध्य प्रदेश शासन के आए। बताए दें कि बसंत प्रताप सिंह पूर्वा के रहने वाले आई और इनके द्वारा वह जमीन में जबरन घर बनाए लेगा, जेके चलते पांच गांव के रास्ता मदरी वांस भटवा पताई भलुहाई जहां आवे जाए वाले रास्ता बंद हो गए। बताए दे कि इस समस्या के सामना उहान रहे वाले लोगन के साथ साथ पशुअन तक का करे पड़त लागी, जेके कारण गांव वाले अनशन करे की चेतावनी तक दे दी नहीं। मेरा नाम प्रकाश नारायण तिवारी है। कलेक्टर कार्यालय हम लोग आए हैं 15-20 की तादाद में ग्राम पंचायत मदरी से, जो कि आम रास्ता है, पहाड़ जंगल जानिए कि मवेशियों की एकमात्र रास्ता है, आराजी नंबर 5, जो कलेक्टर के आदेशानुसार 19/12/2004 में मकान गिरा दिया गया था। बसंत सिंह पेशे से वकील हैं, वो घर अवैध रूप से आम रास्ते में बना लिए थे, जो घर गिरा गया था। अब उसी स्थान में लॉकडाउन की वजह से कोविड के पीरियड में उन्होंने बहुमंजिला मकान वहाँ पर निर्माण कर लिए हैं। हम लोगों की आने जाने की रास्ता पूर्ण रूप से बाधित है। कई स्थान पर हम लोगों ने शिकायत किया लेकिन शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं हुई। अब हम लोग थक करके कलेक्टर साहब के पास आए हैं, 2-4 बार और आ चुके हैं, हर जगह से उनका मुकदमा हारे हुए हैं, मुकदमा कहीं पर चल नहीं रहा है। सरहंगी बस वो हम लोगों को आने जाने नहीं दिया जा रहा है, इसलिए हम कलेक्टर साहब के पास आए हैं। हम पूरे गांव 4-5 गांव के लोग पीड़ित हैं उस रास्ते। हाँ, उस रास्ते से जंगल जाने की मवेशियों की एकमात्र रास्ता है, मध्य प्रदेश शासन की रास्ता है, जो कि पूर्ण रूप से बाधित है। एक बार गिरा दी गई थी, फिर से वहीं पर बना लिए। और ये ग्राम पंचायत मदरी का है, थानागढ़ है, जिला रीवा है। इसके पहले भी आप लोग शिकायत दिए? हाँ, इसके पहले भी हम कई बार कलेक्टर के यहाँ, कमिश्नर के यहाँ शिकायत कर चुके हैं, न्यूज़ में भी दे दिए हैं, लेकिन उसमें अभी कार्रवाई कुछ नहीं है, कुछ नहीं हुई है। क्या नाम है? मेरा नाम प्रकाश नारायण तिवारी है। बेदखली का उसमें आदेश भी हो चुका है, लेकिन वो जो है कुछ नहीं, बेदखल नहीं किया जा रहा है। अब हम लोग आमरण अनशन में बैठने के लिए, चका जाम करने के लिए बाध्य हैं, अगर मजबूर हैं, अगर नहीं सुना गया इसके बावजूद भी, तो अगले एक हफ्ते के अंदर हम लोग वहाँ पर चका जाम और आमरण आसन करने मिलिए। तहसीलदार की फर्जी दस्तखत करा करके उन्होंने नामांतरण कर लिया था, जिसकी उन्होंने तहसीलदार मुनेन्द्र तिवारी गवाह दे करके तहसील में उसको फर्जी ठहरा दिए हैं, जो कि फाइल लगी हुई है वहाँ पर। कलेक्टर साहब से हम उसको दिखवा सकते हैं, हमारे लोगों के पास है भी सर्टिफाइड कापी, लेकिन हम लोग परेशान बहुत हैं। अगर नहीं, इतने के बावजूद नहीं हुआ, तो अब हम लोग आमरण अनशन और चका जाम करने के लिए बाधित हैं। खबर रीवा जिला से ही, जहां मनगमा व मूल निवासी स्नेह मिलन समारोह कार्यक्रम संपन्न भा है। इस दौरान डॉक्टर SS तिवारी स्नेह मिलन सम्मेलन के उद्देश्य सबका बताइन के कौनमेर के एक दूसरे के सहयोग करे खीतिर हमेशा तैयार रह चाहिए और वो क्षेत्र के जनता से अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति तक मदद पहुंचावे के बात कही। कृष्णा कॉलेज में आयोजित यह सम्मेलन में बड़ी तादाद में वरिष्ठ जन, माता बहनी और आदिवासी समाज के लोग मौजूद रहे। ऐसा है कि जो अपने दलित आदिवासी हरिजन भाई हैं, उनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं, उनको कोई बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं है। उनको न IIT चाहिए, न IIM चाहिए, उनको सड़क, बिजली, पानी चाहिए, अस्पताल चाहिए, रास्ता चाहिए गाँव आने जाने के लिए, तो वो कैसे दूर हो। और दूसरा, जो राजनीतिक दल उनको ये बता करके कि हम आपको अनाज दे रहे हैं, हम आपको आवास दे रहे हैं, तो ये तो उनका हक है। ये फूड बिल पास हो गया, उनको मिलेगा, और ये कहा करके ठग लेना और बाकी उनकी बुनियादी चीज़ों के लिए ध्यान नहीं देना, इसको हम लोगों ने याद दिलाया है। और उनके जो ये असुविधा है, उनके अधिकार कैसे प्राप्त हों, इसी के लिए हम लोग यहाँ बैठक किए हैं, उस पर चर्चा और चिंतन किए हैं। जिस तरह देखिए, ऐसा है कि तमाम गांव-गांव, गली-गली जा करके हम लोगों ने
लोगों की समस्याएं सुनी हैं, उनके बीच बैठे हैं, उनसे बातचीत की है और उनसे एक पारिवारिक आत्मीयता स्थापित किया है। इस कारण से जब कभी मैं कोई आयोजन करता हूँ, आह्वान करता हूँ, तो लोग यहाँ स्वस्फूर्ति अपने से उपस्थित होते हैं और ये तो एक नमूना है। अभी पिछले दिनों देवतलाव में हम लोगों ने युवाओं का एक बड़ा कार्यक्रम किया था, लगभग 5 एकड़ का वो एरिया भरा हुआ था, जबकि केवल युवाओं का था, कोई दल और बल का नहीं था, न सत्ता और शासन का था, ये केवल हरिजन और आदिवासियों का था। और आपने देखा कि इस कैंपस में बैठने की जगह नहीं थी, तो ये लोगों के बीच स्नेह है, इसमें क्या करेंगे आप। खबर रीवा जिला से ही, जहाँ केवटी नहर में डूबे लड़का का SDRF और होमगार्ड की टीम ढूंढ निकाली थी। बताई दें ये रीवा शहर के विश्वविद्यालय थाना के अंदर आवे वाले प्रणामी मंदिर के लगे क्योंटी नहर में एक लड़का के डूबे के खबर मिली रही, जोने में तत्काल SDRF और होमगार्ड के दल मौका में पहुंच के सर्चिंग अभियान चालू की। करीब 15 मिनट के अंदर सबका बरामद कर लीनगा विश्वविद्यालय पुलिस का सुपुर्द कर दीनगा है। यह युवक के नाव कुम्हारे कोरी, पिता भैया लाल कोरी, उम्र 22 वर्ष, भुंडहा के रहने वाला बतावा जात लाग है। रीवा शहर में पहली बार इंटरनेशनल हेयर मेकअप आर्टिस्ट मुंबई से सलीम अंसारी रीवा आवत लाग है। 29 दिसंबर का कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में ब्यूटी पार्लर संघ के अध्यक्ष पत्रकारन से बात करत समय यह बताई के रीवा शहर में बाल के बारीकीन से स्थानीय ब्यूटीशियन का परिचित करावे का है और मुंबई जैसन महानगर में बॉलीवुड में आज का चलत लाग है। कौनमेर से फिल्म इंडस्ट्री में टीवी के दुनिया में बालन का अलग अलग तरीका से सजावा जात है, ए बारे में विस्तार से बताई हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हमने इसलिए किया है कि ब्यूटी पार्लर एसोसिएशन ने हम लोगों ने एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया है जो 29 दिसंबर को कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में होने जा रहा है, जिसमें हमारे हेयर एंड मेकअप आर्टिस्ट जाने माने सलीम अंसारी साहब आ रहे हैं। जो आज की डेट में शहरों में मेट्रोज में क्या चल रहा है, इंटरनेशनल हेयर स्टाइल क्या चल रही है, नेशनल हेयर स्टाइल क्या चल रही है, उसकी जानकारी वो बारीकी से हम रीवा की ब्यूटिशनों को जानकारी दिलाना चाहते हैं और एक सेमिनार के माध्यम से बॉलीवुड में क्या चल रहा है, वहाँ क्या फैशन है, वहाँ की हेयर स्टाइल क्या है, जो आज की डेट में नई नई टेक्निक आ गई है जो हम लोगों के बीच में वो टेक्निक नहीं है। तो हमने एक कोशिश की है एक सेमिनार के माध्यम से कि रीवा की ब्यूटिशन को हेयर की बारीकियों से उनको हम अवगत कराएंगे, जिससे वो अपने व्यवसाय को और अच्छे से अपडेट कर सकें और नई टेक्निक में क्या चीज़ें चल रही हैं उन सब की बारीकियों को वो समझें। ये कार्यक्रम हमारा 10:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, 10:30 बजे से 4:30 बजे तक। टाइम का मतलब एक विशेष है क्योंकि ठंड के दिन चल रहे हैं, तो कार्यक्रम अपने टाइम से शुरू होगा और टाइम पे ही ख़त्म होगा। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है रीवा शहर की सारी ब्यूटिशन से कि वह वक्त का ध्यान रखें और टाइम से आएँ और हमारे इस कार्यक्रम को वो सफल बनाएँ और अपने व्यवसाय को भी वो सफल बनाएँ इस सेमिनार के मार्फत। ये सेमिनार रीवा के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी जितनी भी ब्यूटिशियन है या जितने भी सैलून हैं, जितने भी मेकअप आर्टिस्ट हैं, वो मेकअप में तो फिर भी आगे बढ़ रहे हैं, बट हमारा हेयर कहीं ना कहीं कमज़ोर है, पीछे है। केमिकली फिर भी ठीक है, बट जो स्टाइलिंग है, डिज़ाइनिंग है, क्रिएशन है, वो अभी कहीं पीछे है। तो इस सेमिनार को रीवा में करने का मोटो भाभी का या हम लोगों का ये है कि हम अब स्टाइलिंग की तरफ जाएं, क्योंकि जो भी ब्राइड जब आती है हमारे पास तो अपने लुक्स पे बात करती है। अब कोई मेकअप नहीं चाहता, सब नो मेकअप लुक चाहते हैं, तो वो बात करती हैं कि आप मुझे क्या लुक देंगी। सो लुक का सबसे पहला जो रूल है वो हेयर हमारी पर्सनैलिटी को 65% तक कन्वेंट करता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हेयर पर काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। सो हेयर डिटेलिंग पर ही हम काम करेंगे, कैसे क्रिएट करना है, वहाँ पे एक स्टाइल बताएं, दो बताएं, तीन बताएं, डिपेंड्स। हम क्रिएशन ही सिखाएंगे कि हाउ टू क्रिएट, कैसा भी बाल मिले आपको बेस सिखाएंगे, क्योंकि कोई भी हेयर स्टाइल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बेस। तो बेस पे काम करने वाले हैं, नई नई स्टाइल्स बताने वाले हैं, जिससे जितने भी स्टूडेंट उस दिन वहाँ हमारा सेमिनार को अटेंड करने आएंगे वो क्रिएट कर पाएंगे। तो मेरा पहला मोटो है कि क्रिएशन आना चाहिए रीवा में, जितनी भी स्टाइलिस्ट हैं, जितने भी ब्यूटिशियन हैं, उन पर क्रिएशन पर वर्क कराना है मुझे। और ये शायद वेरी फर्स्ट टाइम है जो इतना डिटेल क्लास होने वाला है।
है जरूर एक दिन का सेमिनार, बट उसमें काफी नॉलेज मिलने वाली है हमारे आर्टिस्ट को। ग्राम पंचायत के समस्या का लेके सैकरण गांव वाले एसडीएम कार्यालय पहुंचे और घेराव कई के ज्ञापन सौंपी। लोगन के द्वारा बतावा गया कि ग्राम पंचायत में सड़क के साथ साथ शासन की योजना के लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण पंचायत के लोगन का खूब परेशानी होत लागी। पूर्व मामला मऊगंज जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत पथराहा क्रमांक 2 के आए, जहाँ कर्मचारी के मनमानी के कारण ग्रामीण परेशान होत लागे। गाँव वाले बताए कि शासन की योजना के लाभ जे लोगन का नहीं मिलाया, उनका जल्दी शासन की योजना के लाभ दिलवावा जाए। आइए अपना पंचन का सुनाई थे जनपद पंचायत पहुंचे हितग्राही का मांग के ही नहीं। ओंकार नाथ पांडे, क्या समस्या है? हमारी समस्या है पथराहा नंबर 2 में दक्षिण टोला में रास्ता नहीं है और बहुत परेशानी है। बरसात में हम लोग कीचड़ में मतलब आते जाते हैं, कोई वो नहीं है, इसलिए रास्ता क्या बनवाई जाए, शासन ध्यान दे। कहाँ से आप? पथराहा नंबर 2 दक्षिण टोला। ज्ञापन आप लोगों ने दिया है? हाँ हाँ दिया है, दिया है। सबका उल्लेख किया है? जी हाँ हाँ, उसका उल्लेख किया है। ये ग्राम पंचायत पथार नंबर 2 जनपद पंचायत मऊगंज में काफ़ी समस्याएं थी, जिसमें लोगों को पट्टा वितरण में काफ़ी अनियमितता हुई। बीपीएल में पात्र हितग्राहियों का नाम छोड़ा गया और अपात्रों का नाम जोड़ा गया, और ग्राम सभा में रोजगार सहायक द्वारा मनमानी तरीके से अपने काम किए जा रहे हैं, जिसमें ना कोई ग्राम सभा पंच सरपंच को ज़्यादा सूचना नहीं दी जाती, वो अपने मनमानी तरीके से पंचायत चलाने का काम करते हैं। जिसके संबंध में आज हम सब लोगों ने माननीय एसडीएम साहब और तहसीलदार मैडम जी को ज्ञापन दे करके अपनी समस्याओं से अवगत कराया। आपकी क्या मांग? हमारी ये मांग है कि सबसे ज़्यादा जो है तो आवासीय पट्टा वितरण का कार्यक्रम है, उसमें जो है तो लोग अतिक्रमित किए हुए हैं भूमि को, और भूमि को उन लोगों को नहीं मिल पा रही है भूमि जो पात्र हैं, जो पात्र व्यक्ति हैं उन लोगों को पट्टा वितरण कार्यक्रम हो, जिससे वो अपने प्रधानमंत्री ये जो आवास योजना है उसका वो लाभ उठा सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलेश द्विवेदी है। किस पंचायत से? मैं ग्राम पंचायत पथार नंबर 2 दूधा टोला से हूँ। आज खातिर इतना ही, बघेली में विंध्य के समाचार देखे खातिर बने रही विराट के साथ, नमस्कार।